नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में बृहस्पतिवार की देर शाम मिर्जापुर क्षेत्र के बादशाही बाग में महत्वपूर्ण खारा जल विद्युत परियोजना की हाइड्रेट कॉलोनी में कर्मचारी विनोद के बेटे अनिकेत उर्फ अंकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अनिकेत का शव कमरे में छत के पंखे से धक्का मिला। मृतक के गले पर भी रस्सी के निशान थे और जीभ बाहर निकली हुई थी। परिजन पुलिस को सूचना दिए बगैर शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच किसी की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घटना की जानकारी की। क्या कुछ पूरा मामला है सर? थाना क्षेत्र मिर्जापुर के बादशाही बाग क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या प्रतीत हो रही है। बॉडी का पंचायतनामा कराया जा चुका है। PM के लिए बॉडी भेजी जा रही है। विस्तृत जांच के बाद से इस पर टिप्पणी करना समीचीन होगा। सहारनपुर में शुक्रवार को कंपनी बाग में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला अधिकारी अखिलेश कुमार, SSP दिनेश कुमार सहित अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जिसके बाद प्रदर्शनी में आए हुए लोगों ने पुष्पों के साथ खूब सेल्फियां भी ली। और सारे सिरके इसी तरह से बने हैं और इसमें आपको जो शेप का सिरका मिलता है, इसमें आपको सिरके के अंदर उसके पल्प भी मिल जाएंगे। शेप के पल्प आते हैं, इस शेप के पल्प। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री व MLC विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक ब्लॉक व विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश सरकार के कार्यों की जानकारी जनता तक पहुँचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 3 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर आगामी 19 मार्च से 23 मार्च तक प्रत्येक ब्लॉक में विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पहली उनके जिला कार्य समिति की बैठक है। पदाधिकारियों की घोषणा के बाद पदाधिकारियों की बैठक हुई होगी। पार्टी ने तय किया कि 17 मार्च के पहले प्रदेश के सभी जनपदों में जिला कार्यसमिति की बैठक हो, उसी क्रम में आज यह बैठक हो रही है। मुझे लगता है प्रदेश में जिला कार्यसमिति की बैठकों की आज यही शुरुआत है, क्योंकि जिन अलग अलग क्षेत्रों में 13, 14, 15 मंडल कार्यशाला है, उसमें कुछ क्षेत्रों में सुनिधि जा रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में पानी सुपल जाने वाले हैं। जिन क्षेत्रों में मंडल कार्यशाला हो जाए उसके बाद जिला कार्यसमिति की बैठक, पर अपने थोड़ा हम लोगों ने पहले तय कर लिया। सहारनपुर के जनमंच सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में CMO BS SODI व मेयर संजीव वालिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं को प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। मालती आशा संगनी मालती, इसी के साथ में 3 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है जिन्होंने गैर संचारी रोग में सबसे ज्यादा सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित SBI कॉलोनी के निवासी किशन राय ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी से मुलाकात कर उनको एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिला अस्पताल के स्टाफ पर
अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से कार्यवाही की मांग की। जो भी विषय कल का हुआ बड़े हॉस्पिटल का, जो भी वहाँ पे सरकारी उनकी जो व्यवस्था है उस चीज़ का मुद्दा लेकर जो भी हमारे साथ कल जोर झड़प की गई है, अपना दंगाई किया गया है, उस जो भी सारा मामला था वो डीएम साहब के सामने आज हमने रखा है। और डीएम साहब ने भी यही बात की है कि बिल्कुल जांच की जाएगी और बहुत सख्त कड़ी जाँच की जाएगी। और हम भी यूनियन है और वहाँ पर एक यूनियन है और यूनियन के नाम पर एक जो लीडर हैं थकागिरी करते हैं, पैसों की लेन देन करा के बहुत बड़े अपने आप को अपना प्रधानमंत्री समझ रहे हैं वो अपने लीडर को लेके, और लीडर वो वहाँ पे यूनियन बना के और वहाँ पे की जाती है राजनीति लीडरिंग के नाम पे पॉलिटिक्स। जो आवाज उठाता है उसे दबाया जाता है, उसे दबाया जाता है। सहारनपुर में शुक्रवार को पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान न किए जाने के संबंध में जिला अधिकारी से मिला और उनको एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भगत सिंह वर्मा ने कहा है कि अगर चीनी मिलों ने जल्द ही किसानों का गन्ना बकाया भुगतान नहीं किया तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग आज पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी से मिला, जिसमें मुख्य मांग हमारी है कि गन्ना किसानों का 610 करोड़ रुपये जिले की चीनी मिलों पर बकाया है, जिसका तत्काल गन्ना किसानों को भुगतान होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा गन्ना भुगतान बजाज चीनी मिल पर बकाया है 204 करोड़ रुपए। हमने डीएम साहब को बताया है कि हमें जो है घटतौली तत्काल रुकनी चाहिए, जिले की चीनी मिल एक भारी घटतौली कर रही है किसानों के गन्ने की, और गन्ने का भुगतान तत्काल होना चाहिए, वरना पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा यदि जल्द ही घटतौली नहीं रोकी गई और किसानों को गन्ना भुगतान नहीं हुआ। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेशानुसार 22 मार्च को जिले की हर तहसील मुख्यालय पर होने वाले धरने प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक को जिला अध्यक्ष रुद्र सेन, नगर अध्यक्ष आजम शाह सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। भाई तारीख का अर्थ सीट में जाए जिले में अर्थ सीट को धरना दिया जाए, उसके संबंध में ही जाए अपनी पार्टी के जो है प्रमुख साथी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई और उनसे जो है पार्टी अध्यक्ष जी के निर्देश उनसे अवगत करा और भाई तारीख को जो है अर्थ सीट को धरना दिया जाए। सहारनपुर की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।